ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಸ್ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता श्री प्रह्लाद जोशी जी, हमारे सांसद और पूर्व अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, श्री पीसी मोहन जी और आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं, ऐसे कर्नाटक के सहकारिता मंत्री श्री एस टी सोमशेखर जी, हमारे कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र जी, रेवेन्यू मिनिस्टर कर्नाटक श्री आर अशोक जी, श्री अश्वस्थ नारायण जी, उच्च शिक्षा मंत्री कर्नाटक एन नागराज जी, मंत्री कर्नाटक सरकार और आज के कार्यक्रम में आए हुए सहकारिता की अलग अलग योजनाओं के, सरकार की अलग अलग योजनाओं के सभी लाभार्थी भाई बहन और सहकारी कार्यकर्ता भाई बहन, आप सभी को प्रणाम नमस्कार। आज इसी जगह से सहकारिता के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ वितरित किए गए। मैं जिन जिन को भी यहां से अपने अपने नए काम के लिए सरकारी योजना का लाभ मिला है, वो सभी को हृदय से शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर सहकारिता आंदोलन बहुत गति के साथ और धैर्यपूर्वक सातत्यपूर्वक लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय से अच्छे से चल रहा है। यहां मैं आया हूं तब कहना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि 1905 में कर्नाटक के गडक जिले में एक गांव के अंदर श्री सिद्धन गोड़ा सन्ना रामन गोड़ा पाटिल को पहली भारत की सहकारी समिति स्थापना करने का यश जाता है। पूरे देश में सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटक के कनागिनहाल गांव के अंदर स्थापना की गई। वहां से शुरू हुआ है सहकारिता का आंदोलन। आज अमूल, इपको, क्रिपको, लिज्जत पापड़, इस प्रकार के कई सफल मॉडल खड़े कर आज विश्व के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ा है। आज सुबह मैं मांड्या में डिस्ट्रिक्ट डेयरी के कार्यक्रम में गया था। वहां कर्नाटक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के एक बहुत बड़े प्लांट का 260 करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्लांट का उद्घाटन भी हुआ। मैं आप लोगों को कर्नाटक के स्केल को बताने के लिए सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, नंदिनी ब्रांड का। ये ब्रांड के तहत लगभग 23 लाख किसानों को, जिसमें ज्यादातर महिला हैं, उनको
हर रोज 28 करोड़ रुपया ट्रांसफर होता है जो उनके जीवन को उज्जवल करने का काम करता है। अगर सहकारी समिति न होती तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कितनी सारी महिलाओं को दूध की कीमत का पूरे पूरा दाम हर रोज 28 करोड़ रुपया 23 लाख लोगों को चेक के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो सके। उनका दूध सस्ते में बिक जाता, प्राइवेट डेयरी होती, प्राइवेट डेयरी के मालिक कमाते, मगर कोऑपरेटिव की ब्यूटी ये है प्रोडक्शन फॉर मासिस, प्रोडक्शन बाय मासिस। लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए उत्पादन करना और बहुत लोगों ने उत्पादन करना, ये दोनों को जोड़ने का एक तरीका, एकमात्र तरीका कोऑपरेटिव है और इसमें कर्नाटक ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, भारत के अंदर बहुत समय से मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाया जाए, कोई सुनता नहीं था। मैं एक सहकारिता के कार्यकर्ता के नाते भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर ये आंदोलन को एक नई गति और लंबे समय के लिए एक नया आयुष्य देने का काम किया है। आज यहां पर फसल लूर ऋण के लाभार्थी हैं जो पैक्स के सदस्य हैं, सेल्फ एड ग्रुप के लोन जिनको मिली है वो भी रहे, दूध उत्पादक सहकारी समितियों का 5 रुपए का मुख्यमंत्री का जो प्रोत्साहन है उसके भी लाभार्थी हैं, ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से जिन्होंने अपने खेत में लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है वो लोग भी यहां पर है, और यशस्विनी स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी सहकारी समितियां भी यहां पर है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय स्थापना की है, परंतु सहकारिता मंत्रालय का स्थापना से पहले भी आज लगभग देश दुनिया भर में 30 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, इसमें से 9 लाख कोऑपरेटिव अकेले भारत के अंदर है। भारत की आबादी के लगभग 91% गांव किसी न किसी प्रकार से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, और लगभग पैक्स के माध्यम से किसानों के 70% कवरेज को कोऑपरेटिव कवर करता है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है, जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और 63,000 पैक्स, और ये सब मिलकर हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस का 19% फाइनेंस आज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन 35% डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन लगभग 30% प्रोडक्शन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है, 40% चीनी कोऑपरेटिव के माध्यम से उत्पादित की जाती है, गेहूं की खरीदी का 13% कोऑपरेटिव करता है और धान की खरीदी का 20%, चावल की खरीदी का 20% कोऑपरेटिव करता है। इसके साथ साथ मछुआरा समिति के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भी 21% उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। मित्रों, देश में नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब से शासन आया किसान सेंट्रिक ढेर सारी योजनाओं को मोदी जी ने गति देने का काम किया है, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनने के बाद उसमें भी ढेर सारे फैसले हुए, सहकारिता के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए देश भर के
63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया गया और 2500 करोड़ रुपए से इनको 100% कंप्यूटराइज करने का हमने करा है। और इसके साथ साथ एक और निर्णय किया है कि देश की हर पंचायत के अंदर अब सहकारी समिति होगी, एक ही सरकारी समिति बनेगी जो मल्टी डायमेंशनल होगी, बहुउद्देश्यीय होगी और वो कोऑपरेटिव पैक्स का भी काम करेगी, डेयरी का भी काम करेगी, मत्स्य उत्पादन का भी काम करेगी, स्टोरेज का भी काम करेगी, पीसीओ का भी काम करेगी, जल वितरण का भी काम करेगी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करेगी। ऐसी 2,00,000 नई सहकारी समिति 3 साल के अंदर बनाने की कार्य योजना नाबार्ड, एनडीडीबी और सहकारिता मंत्रालय ने इकट्ठा होकर करी है। मैं कह सकता हूं मित्रों, ये योजना बनने के बाद देश में सहकारिता का व्याप, सहकारिता का टर्नओवर और सहकारिता के लाभार्थियों की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ने वाली है। एक नए आयाम में हमारा सहकारिता आंदोलन जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको अमूल मॉडल पर इसका मुनाफा दुनिया भर में बेचकर सीधा किसान के पास जाए, इसके लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना हो रही है। इसके साथ साथ बीज उत्पादन के लिए और भारतीय बीजों की नस्ल के संवर्धन के लिए उसके लिए भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है और कोऑपरेटिव को एक्सपोर्ट करना हो इसके लिए एक एक्सपोर्ट हाउस की रचना भी कोऑपरेटिव बेसिस पर हम करने जा रहे हैं। इस सारे काम के लिए नया मैन पावर, एक ट्रेन मैन पावर मिले, इसलिए सहकारिता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी बनाने का हमारा प्लान है। कहां पर गैप है वो ढूंढने के लिए समग्र देश की सारी कोऑपरेटिव्स का एक डेटाबेस बनाने का काम भी हमारा चालू हो गया है और ये सारे काम सुचारू रूप से हो इसलिए सहकारिता नीति भी हम बनाने की शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें सुरेश पूर्व रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में हमने एक कमिटी बना दी है। सहकारिता समितियों को फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से मिल सके इसलिए नाबार्ड के साथ साथ एनसीडीसी की भूमिका को भी हम विस्तार करने जा रहे हैं। चुनाव पारदर्शी हो इसलिए एक मॉडल एक्ट भी बनाकर हमने सभी राज्यों को भेज दिया है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए एक बिल भी आया है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है और राज्यों को इस सहकारिता कानून के अंदर भी परिवर्तन के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ पहले कंपनियों से ज्यादा टैक्स सहकारिता सोसाइटियों से वसूला जा रहा था। मुझे आनंद है कि गत बजट के अंदर मोदी जी ने कोऑपरेटिव को कंपनी के एट पार करकर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर के टैक्स को 12% से घटाकर 7% सरचार्ज को किया है और वैकल्पिक कर को 18.5% से घटाकर 15% किया है। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आवास ऋण की सीमा आरबीआई ने 3 गुना की है। वाणिज्यिक संपत्ति पर ऋण की सीमा को भी बढ़ाया गया है और डोर स्टेप बैंकिंग के लिए भी हमें परमिशन दे दी है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ कर्नाटक की सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना ये कर्नाटक की जिम्मेदारी नहीं है, यहां कुछ ऐसे आदर्श खड़े करने होंगे जिससे देश भर के राज्यों को एक संदेश जाए और यहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर
देश भर के राज्य अपने अपने राज्य के अंदर सहकारिता का नया मॉडल बना पाए। मित्रों, आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने जो सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है, इसके कारण समग्र देश के अंदर जो गैप खड़ा हुआ है, कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन बहुत धीरा पड़ गया है, बहुत कमजोर पड़ गया है, उसको बल मिलेगा और देश भर में समान स्वरूप से सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज बसवराज मुंबई सरकार ने ढेर सारे लाभार्थियों को अनेक प्रकार की योजनाओं का फायदा कोऑपरेटिव के माध्यम से देने का निर्णय किया है। मैं मुंबई जी का सहकारी संस्थाओं की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पर आज जिस प्रकार से पैक्स हो, स्वास्थ्य की सहकारिता हो, विमन सेल्फ एड ग्रुप्स हो, इस सबको जिस प्रकार से आज समर्थन करने का, उनका वित्त पोषण करने का यहां पर फैसला हुआ है, कार्यक्रम बना है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये गतिविधि समग्र कर्नाटक को ताकत देगी और कर्नाटक की कोऑपरेटिव के माध्यम से देश भर के सहकारिता आंदोलन को जरूर फायदा होगा। अंत में मैं फिर से एक बार आज यही मंच पर से सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।